गाइस वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट यात्री। और आज की जो हमारी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी चेंज होने वाली है, बिकॉज आज हम लोग हिंदी पंजाबी मिक्स करने वाले हैं, क्योंकि जिस बंदी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो बेसिकली कलकत्ता से है, तो उसको हमारी जो पंजाबी है वो समझ में नहीं आती, तो इसलिए थोड़ा सा आज हमें हिंदी का जो फ्लेवर है वो रखना पड़ेगा। तो हम लोग जिस शख्स के बारे में आपको बता रहे थे, जल्द ही आपको उनसे मिलवाने वाले हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारी नज़र में वो पहले ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर एक डिश बनी है, एक स्वीट डिश का नाम जिनके नाम के ऊपर रखा गया है। उस रेस्टोरेंट में आज हम उनके साथ जाएंगे और वो डिश एंजॉय करेंगे और आपको भी बताएंगे कि कौन है वो शख्स जिससे हम आपको मिलवाने वाले हैं। बिकॉज इतनी हिंदी जब कंटिन्यू बोलनी पड़ जाए तो मुझे वैसे ही सांस मेरी फूलने लगती है, तो आगे तो बातें और भी हिंदी में होती रहेंगी, तो ये हिंदी पंजाबी हमारी ऐसे मिक्स चलती रहेगी। सो थोड़ी देर आपको बस और वेट करना है, तो हम लोग पहुँच रहे हैं उनके पास और जाके आपको उनका नाम बताएंगे। हेलो, हाँ जी, आ गए आपके घर के नीचे हम जी। ओके, अब पता नहीं आपने आवाज से गेस किया या नहीं किया, तो जल्दी हम आपको मिलवाते हैं और बाकी की बातें करते हैं बाद में। हाय कोको, ये क्यों उठाया आज भी बैग? ऐसे ही ऐसे क्यों, मतलब आज तो छुट्टी है हमारी, या फिर भी क्यों बैग क्यों उठाया आज? ऐसे ही उठाया। बैठ लगा लो। किस साइड से जाना है? इधर इधर, हमें रास्ता नहीं पता। तो गाइस हमारे साथ है कोको बलूची। कोको कहाँ लेके जा रहे हो हमें आप? सेक्टर 10 डेल्लाकुचीना। एक बार मास्क उतार के प्लीज अपना दिखाइए। ये हमारे साथ है कोको बलूची और कोको हमें लेके जा रहा है जो कोको के नाम पे कोको बलूची डिश स्वीट डिश बनी है। तो कहाँ पे लेके जा रहे हो, कौन सा सेक्टर है कोको? ये सेक्टर 10 चंडीगढ़ डेल्लाकुचीना। डेल्लाकुचीना, मुझे तो ये नाम भी नहीं लेना था। डेल्लाकुचीना, या इट्स इटालियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। ठीक है, अरे हमें जिन जिन पीते को मुझे डेफिनेटली तो नहीं जाते स्टेप को डाउन गाड़ी वैसे तातरी आए। ঠিক আছে, ঠিক আছে শোন, আমি রাখছি ভাই। আমার তো এখন কোনো টিকেটে কোনো কিছু খারাপ কিছু হয়নি, ডোন্ট ভাই ভাই। কোকো ये कौन सी भाषा में बात किया? इट्स बंगाली। मुझे सिर्फ इतना समझ आया इसमें से कि हम रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, राइट? बोला ना? हाँ। ये चीज बोली ना? हाँ। तो बाकी का क्या था वो सारा? मेरे कजन आ रहा है 10 तारीख को, शी इज लाइक कि अगर मेरा टिकट्स में कुछ हो गया तो मेरे अपने ईमेल से मास्क पहन लो, तो यहां पे चालान काट देंगे। उसने आप मेरे को बोला कि अगर कुछ अप एंड डाउन हुआ तो मुझे इन्फॉर्म करना 10 तारीख के बारे में। ठीक है, कुछ हो रही ठीक है। मतलब मेरे को रेस्टोरेंट वाला सही समझ आया ना? Yes, मैंने पकड़ ली बंगाली। तो कोको के साथ अब हम सीख जाएंगे बंगाली भी। कोको पंजाबी में क्यों नहीं पकड़ हुई अब तक? मतलब पंजाबी क्यों नहीं आती प्रॉपर पूरी? नहीं आती पंजाबी मुझे। फ्लो मतलब वो समझ जाता जो लोग धीरे धीरे पंजाबी बोलते हैं, बट अगर आप तुझे पंजाबी गल करके देखी, बोली पंजाबी गल करी की बोलू, क्या बोलूंगा? कोई भी बात पंजाबी में करते हैं क्या? आप मुझे, मैं पूछता हूँ आपसे। हाँ, मेरे को ये पता है कि भैया कैंट बदिया तुसी दसो और किदा दोबारा बताना। कैंट कैंट बदिया किवेया तुसी दसो और सत श्री अकाल तो सबको पता है। एंड हाँ, यही वाला यही तो है था। बाकी फ्लो में नहीं आता, बाकी वैसा नहीं आता। असि कित्थे चले हां कोको? असि चले हां, पंजाबी जवाब देना तुसी। ओके, असि चले हां Dallacuucina restaurant te assi utthe kyon challe haan? assi te kyon challe, assi khana khane haan, assi nahi haan, batao assi khana khane haan, it's a dessert, so english koko english use kiya aapne, so ja rahe si assi utthe koko bluechi khan challe haan
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਕੋ ਬਲੂਚੀ ਖਾਣ ਚੱਲੇ ਆ सो आपको सबको पता है कि कोको सोनम मैम का मेकअप देखते हैं और मैं सोनम मैम का बाकी का काम देखता हूँ. बेसिकली हम लोग एक ही टीम में हैं. तो रोज हम लोग एक ही साथ जितना भी फन करते हैं, एक दूसरे पे गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं और फिर एक जैसे हो जाते हैं. तो मुझे लगता है कि अब कोको को पंजाबी तो मैं सिखा के रहूंगा और मुझे कोको से बंगाली ना, मुझे कोको से बंगाली सीखनी है. मैं कोको जब पहली बार मिले थे मुझे लगता था कि कोको बहुत गुस्से वाला होगा, ये मतलब पता नहीं कैसे चलेगा हमारा. लेकिन कोको का हमारी टीम में से अगर मैं बोलूँ तो सबसे ये शांत रहता है और सबसे ज़्यादा हम्बल पर्सन है हमारी टीम में से कोको. आपको क्या देख के लगा कि मैं गुस्सा होऊंगा? पता नहीं कोको, मुझे लगता था, मैं तो जब देखता था मैं यार इस बंदे को कैसे हैंडल करेंगे. तो चलो आप कोको को पंजाबी सिखानी है. कितना टाइम लगेगा कोको? 15 मिनट से आप लोग लोकेशन में हमें घुमा रहे हो, मतलब हर बार गलत लेके जा रहे हो. नहीं उस टाइम हम लोग एक्चुअली पंचकुला के, मैं तो पंचकुला वाला में. आप सोते रहते हो ना, आपका ध्यान सारा दिन पता नहीं कहाँ पे रहता है और लोकेशन भी गलत लगा लेते हो. यहाँ पे सेक्टर्स, चंडीगढ़ पे ही सिर्फ सेक्टर्स होने चाहिए थे और मोहाली और पंचकुला में जगह का नाम होना चाहिए था. ये नोट किया जाए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पंचकुला वालों के, आपको ये चेंज करना पड़ेगा. बिकॉज कोको ने बोला तो आपको ये चेंज करना ही पड़ेगा कि वहां पे जगह का नाम रखो, सिर्फ और सिर्फ जगह का नाम होना चाहिए. और सेक्टर कोको दिल्ली दिल्ली में भी चेंज करवा दें फिर सेक्टर वक्टर सब. नहीं वहां पे नहीं रहते हमारे, नहीं होता ऐसा. मतलब पंजाब में जो हमारे गांव होते हैं ना, वहां पे हम सेक्टर के हिसाब से नहीं जाने जाते, जगह का नाम ही, जगह का नाम नहीं. वहां पे होता है हमारे दादा का नाम, परदादा का नाम, सरदार बचित्र सिंह, सरदार बलकार सिंह, सरदार सुखपाल सिंह. साडे जे हमारे अगर किसी ने घर पे आना हो तो ये बोलते हैं कि अपना उजागर सिंह दे पोते दे घरे जाना. तो आपके बंगाल में, वहाँ आपके कोलकाता में भी यही रहता है? वहाँ पे सेक्टर्स नहीं है, सेक्टर्स नहीं है, जस्ट जगह का नाम. क्या फेमस है आपके वहाँ का कोको? सब कुछ. सबसे पहले तो कोको फेमस है वहाँ का. बट कोलकाता में सब कुछ बहुत अच्छा है. आप जाओ, आप गोलगप्पे खाओ, फुचका, आप लोग चिकन खाओ, आप लोग खाना बहुत सस्ता है एंड बहुत अच्छा है. ओके तो कभी चलेंगे जब हम लोग फ्री होंगे, जब हमें लंबा ब्रेक मिलेगा. यस और बहुत घूमने की जगह. हाँ वो मुझे पता है. कब शुरू हुआ था कोको ब्लूची, कि कैसे इनके माइंड में ये आइडिया आया, पहले आपके माइंड में ये आइडिया आया? इट वाज जस्ट लाइक अ स्ट्रेंज थिंग एंड मिस्टीरियस आल्सो. लाइक जो डेलाकुचीना के जो टू पार्टनर, लाइक टू पार्टनर थे, वन कॉल एक दिन जो कॉल किया इन टू स्पीक विद एंड अचानक से एक दिन मेरे को बोल रहे कि ऐसा ऐसा प्लान है, अगर आप इंटरेस्टेड हो मैं तो अभी ठीक इंटरेस्ट मतलब ये तो मुझे तो अजीब लगा. मतलब ठीक है फिर बैठ, उन्होंने मुझे बहुत दिन बोला कि नो एटलीस्ट बात बैठ के बात करो, बैठ करो के लेंस को. तो मैं गई एंड दे से दीस थिंग्स देन आई देन मैंने अभी कुछ और भी ही मेरे को ज़्यादा उतना था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ ना, आई से लाइक ओके यस लेट्स डू इट. सो हो गया, फिर मैं आया था, हम लोगों ने उस डिज़र्ट को सारे क्या के इन्ग्रीडियंट्स होंगे, थोड़ा सा वेफर चाहिए, कैसा आइसक्रीम होगा, कैसा कलर, क्या क्या होने वाला है, जितना कितना ज़्यादा मीठा होने वाला है, तो ये सब चूज़ किया एंड दी पैक. तो आपके बिना किस और किसकी फैशन थी इस चीज़ में कि ये चीज़ें सारी चेंज होंगी उसमें, और क्या लगे सिर्फ आप
आपका अपना माइंड था या अबू द शेफ आल्सो शेफ और द शेफ आल्सो तो कैसा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी टीम में बटन लगा लो या मेरे साथ ही पहला ऐसा बंदा है कि जिसके नाम पे कोई डिश है तो कैसा लगता है आप मतलब जब कोई जब आपको सेलिब्रिटीज टैग करते हैं सब लोग खाते हैं पहले ये बताइए कैसा फील होता है उसको क्या वाओ एक्चुअली अचीवमेंट फॉर मी लाइक बीइंग फ्रॉम पंजाब इट्स अ बिग अचीवमेंट I'm not from Punjab, but still they're giving me this much love. They're making dish on my name, and I'm so happy. I'm so happy. It's a huge achievement. So, तब तक वो कौन-कौन ने try कर चुका है? कौन-कौन celebrity? मुझे नाम चाहिए. ये सब की नाम चाहिए. Ami sir. Ami sir. Ami sir ने खा ली. Ami sir को आपने दिया था वहाँ पे यहाँ वाके खा रहा है. नहीं, Ami sir को मैं the special guest के बाद the all made dessert with plates. Okay. Ami sir, boss का भी आए थे यहाँ पे खाना खाने. Okay. जगदीप सिंह सर जान सर मनीष बुट्टल सर शर्मा मेहता मैम बहुत लोग रहे हैं तो सोनू मैम को तो खिलाया है अरे वो तो बॉम्बे रहते हैं एंड वो जब आते हैं उनके पास इतना कम टाइम होता है तो आज हमें फाइनल करते हैं कि आज हम लोग वी हैव टू टेक वन अभी तक ट्राई नहीं किया सो प्लीज यहाँ पे आए और इसको ट्राई करें आप बोलो ये चीज़ आप सबको बोलोगे जो रह गए हैं तो ये इससे ऊपर कुछ भी नहीं है एग्जैक्टली न्यू ईयर में इफ यू वांट टू रियली ट्राई द बेस्ट डेजर्ट प्लीज कम टू बेलुचिना एंड हैव दिस कोको बेलुची तो आप आओ और खाओ तो हमें आराम से खाने दो और नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे तो गाइस ओके बाय टाटा तो हम खा रहे हैं कोको बेलुची